इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कैडमियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किए और मरकरी कैथोड यूज हुआ है। मरकरी कैथोड यूज करेंगे तो कैडमियम एमलगम बनता है। देखो तो कैसे होता है, बीकर होता है, बीकर के नीचे मरकरी फ्लो कर रहा होता है और इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर कहीं कैडमियम 2+ फ्लोट कर रहा होता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन गोज टू कैडमियम और ये कैडमियम डिपॉजिट हो जाता है मरकरी के ऊपर, तो हम लोग बोलते हैं कैडमियम एमलगम बना है। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू कैडमियम 2+ वाया मरकरी, तो जैसे ही इसको मिलेगा ये डिपॉजिट होगा, कहाँ डिपॉजिट होगा, मरकरी के ऊपर डिपॉजिट होता है और कैडमियम एमलगम बनाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये जो कैडमियम एमलगम बना है इसका मास परसेंटेज ऑफ कैडमियम इज 12% कैडमियम बाय मास है। इसके अंदर मरकरी कितना यूज हुआ है, 2 ग्राम। तो देखो इसके अंदर कैडमियम कितना है हम लोग पता करते हैं। लेट से कैडमियम इज एक्स, इसके अंदर लेट से कैडमियम मरकरी के अंदर कैडमियम इज एक्स और मरकरी तो 2 ग्राम पहले ही बोल रखा, सो इंप्लाइज दैट एक्स बाय 2+ x इंटू 100 इज इक्वल टू 12% बोला है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू 3/11 ग्राम। सॉल्व करके देखिए 3/11 ग्राम आएगा। नाउ तो कैडमियम कितना डिपॉजिट होगा, 3/11 ग्राम। अब क्या करना है, अब हम लोग को पता है कैडमियम डिपॉजिटेड इज 3/11 ग्राम। अब हम लोग आई दिया हुआ है, टी निकालना है, तो देखो करना क्या, आप डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर इंटू एफ, ये जेड हो जाता है, इंटू आई इंटू टी। नेक्स्ट मास डिपॉजिट कितना है, डब्ल्यू, डब्ल्यू है 3/11 ग्राम इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना, 112.4 एन फैक्टर। देखो दो इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा है, कैडमियम प्लस टू में था, तो दिस गिव्स यू 2 × 96500 इंटू आई कितना, 5 एम्पियर इंटू टी हम लोगों को निकालना है। तो देखो एक इक्वेशन है, एक अननोन टाइम, टाइम को हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 93.5 सेकेंड।